हर साल ही यहाँ पर भव्य शिवरात्रि का आयोजन होता है, इस बार क्या रहेगा? इस बार भी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर सालों से ज्यादा बढ़ चढ़ करके इस बार भव्य तैयारी चल रही है। अभी से ही हर तरह से साफ सफाई, रंग रोगन, डेंटिंग पेंटिंग चारों तरफ कार्य चल रहा है और इस वर्ष कुछ विशेष बढ़ करके भव्य तैयारी की जा रही है। संपूर्ण मंदिर को गेट से लेकर के पूरे प्रांगण को विशेष ताजे फूलों द्वारा, जो विदेशों से आता है, बंगलोर द्वारा यहाँ से एक्सपोर्ट होके आता है फूल, उन सारे फूलों से भव्य मंदिर, पूरा प्रांगण, सारे बाहर गेट सभी भव्य फूलों द्वारा ये सजाया जाएगा। और उसके साथ साथ 18 तारीख के रात में बढ़िया हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार द्वारा जगराता का कार्यक्रम होता है, जो इस वर्ष भी अच्छे कलाकार द्वारा भव्य जगराता किया जाएगा। 19 तारीख को विशाल भंडारा होता है, जिसमें कोई चिट्ठी नहीं जाती है, कितनी भी संख्या में, कितनी भी दूर से, कितने भी श्रद्धालु यात्री आए, सभी के लिए उचित प्रबंध होता है। और भव्य भंडारा, विशाल भंडारा होता है, जिसमें कोई संख्या नहीं, असीमित लोग भंडारे में छक्कर भंडारा खाते हैं, महादेव की जय जयकार करते हैं। और खाली हमीरपुर से ही नहीं, पूरे प्रदेश से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अपने इधर जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं, हर जगह से अपार जनसमूह के साथ यहाँ श्रद्धालु यात्री आते हैं। हर वर्ष यहाँ यात्री बढ़ते जाते हैं, कभी 10,000 यात्री आते थे, हर साल 12-15, और इस समय 30,000, 35,000, 40,000 के लगभग यात्री आ रहे हैं। आने की पूर्ण संभावना है। उसी हिसाब से मंदिर विकास कमेटी भी है, जो हर तरह से किसी भी श्रद्धालु को कहीं से कोई असुविधा न हो, उसके लिए भी वे सब रात दिन तत्पर हैं। हर प्रकार से व्यक्ति के बाथरूम से लेकर के बैठने उठने संपूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ किया गया है। कितने भी अपार जनसंख्या हो, सब व्यवस्थित रूप से महादेव का भव्य दर्शन कर सके, पूजन कर सके। और धूने पर आकर महादेव का दर्शन करते हैं, धूने पे आकर के प्रसाद लेते हैं। प्रसाद के भी यहाँ की परंपरा है कि शिवरात्रि पर 5 प्रकार के फल उनको दिया जाता है। केले हैं, सेब है, अमरूद है, बैर है, चीकू है, ये मिला करके सभी श्रद्धालु के 1 किलो के वजन का लिफाफा दिया जाता है। वो चाहे 10,000 यात्री हो, चाहे 50,000 यात्री हो, सभी को इसी भाव से प्रसाद दिया जाता है। और गसोता महादेव का भव्य घोटा प्रसाद भी बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से इस दिन प्रसाद के लिए आते हैं। चाहे उनको 2 घूंट ही मिले, वह भी प्रसाद महादेव का उनको प्राप्त होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या किसी भी प्रकार का कोई कुदंग नहीं होता है। उसके लिए सारे वॉलेंटियर अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। और मंदिर के चारों तरफ से पूरी प्रशासन का भी विशेष निगाहें रहती हैं, जिससे भारी विशाल इस जनसमूह के मेले को भव्य बनाने के लिए प्रशासन भी तत्पर रहता है, मंदिर विकास कमेटी तत्पर रहती है, यहाँ के जो सामाजिक संस्थाएं के लोग हैं वो सब भी तैयार रहते हैं और भव्य तैयारी में लगे हुए हैं कि 18 तारीख को होने वाले महादेवगसोता के भव्य महाशिवरात्रि के पर्व के उत्सव को मनाने के लिए सभी लालायित हैं। बाल वृद्ध नर नारी सभी के अंदर अपार उत्साह है शिवरात्रि की तैयारी के लिए, शिवरात्रि के मुख्य पर्व के दर्शन के लिए। दूर दराज से लोग महादेव गसोता का जय जयकारा करते हुए जल चढ़ाने के लिए, प्रातः काले शिवाम दृष्टा निशा पापम विनश्यति आज जन्म कृतम अध्याये सायाहे सप्त जन्मनी, उस दिन प्रातः काल 4 बजे से लेकर के संपूर्ण दिन और रात्रि तक महादेव का निरंतर दर्शन होता रहता है। भोलेनाथ के जयकारे से पूरा प्रांगण गुंजायमान रहता है। महादेव की कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रही है और यह कृपा प्राप्त करने के लिए दूर दराज से भक्त जो हैं 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन पहले से यात्री श्रद्धालु पैदल से लेकर सवारी से लेकर हर साधन से यहाँ पहुँचते हैं। विशाल मेला होता है, उनके रहने खाने ठहरने की भी उचित सराय है, सारी व्यवस्थाएं हैं, ताकि किसी यात्री श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का कोई
परेशानी न उठाना हो, इसके लिए हर तरह से तैयारियां जोरों पे है। इस बार महादेव गोसोता के परम भक्त आशीष शर्मा जी के सदर विधायक के विजय उपरांत उनका भी कहना है कि महादेव गोसोता के भव्य श्रृंगार की जिम्मेदारी लिए हैं, वह भी पूरे जोर शोर के साथ उस तैयारी को क्रियान्वित करने के लिए लगे हुए हैं। इस बार महादेव गोसोता का यह भव्य महाशिवरात्रि एक भव्य रूप में मनाया जाएगा, उसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं और आने वाले 18 फरवरी को एक महादेव के जयकारे के साथ यह महामहोत्सव पर्व प्रारंभ होगा। 9:30 बजे के करीब धर्मध्वजा का झंडा रोहण किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि लोग भी भाग लेते हैं, वो सब भी आएंगे। अभी उनके नाम का क्लियर नहीं हुआ है, वो नाम हो जाते हैं उस समय आते हैं। 10 बजे के करीब धर्मध्वजा झंडा रोहण होगा, रस्मदाय की जाएगी, उसके बाद निरंतर महादेव के जयकारे के साथ दर्शन और सभी श्रद्धालु को प्रसाद वितरण के साथ साथ उनको फलहार भी और फल भी ये भी निरंतर उनको दिया जाता है। और महादेव गोसोता सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए गोसोता महादेव की जय।